उस दौर की बात है जब एक्टर्स को फिल्मों में काम करने के लिए फीस करोड़ों या लाखों में नहीं मिलती थी। कुछ हजारों में फिल्म साइन करने वाले एक्टर्स इसी रकम में अपने सपनों को पूरा करते थे। नामी एक्टर ने फिल्म को साइन कर एक सपना देखा, लेकिन फिल्म बनते बनते ही रुक गई और सारे सपने भी जैसे बिखर गए। फिर एक्टर ने मदद के लिए हाथ बढ़ाए और फिर वो हुआ जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। कई फिल्मों को बड़े बजट में बनाया जाता है तो कुछ फिल्में छोटे बजट में भी करोड़ों कमा जाती हैं। फिल्मों के हिट होने का फॉर्मूला बजट से निर्धारित नहीं होता, लेकिन कहा जाता है कि जितना बड़ा बजट उतनी ही फिल्म की कमाई। हालांकि ये सब अब दर्शकों पर निर्भर करता है। अमिताभ बच्चन से लेकर सनी देओल तक कई स्टार्स ऐसे हैं जिनकी फिल्में आधी अधूरी बनकर ही रह गई। फिल्म की पूरी करने के लिए कभी बजट अड़ंगा मार गया तो कभी कोई और वजह। 37 साल पहले सिर्फ 12 लाख में बनी एक फिल्म बनते बनते रुक गई तो एक्टर ने इस दर्द को समझा और अपनी ख्वाहिशों को छोड़ मदद के लिए खड़ा हो गया। ये किस्सा है साल 1986 में आई फिल्म अंकुश का। निर्देशक एन चंद्रा की ये पहली फिल्म थी। 37 साल पहले बनी इस फिल्म का बजट था सिर्फ 12 लाख। एन चंद्रा ने लगभग सभी ऐसे कलाकारों को फिल्म के लिए चयन किया जो फिल्मों में काम करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने नाना पाटेकर को भी ऐसे ही इस फिल्म के लिए साइन किया जो फिल्म की तलाश में थे। नाना को तब उन्होंने 10,000 रुपए में साइन किया, जिसके 3,000 फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले दे दिए और बाकी 7,000 फिल्म की शूटिंग के बाद देने की बात हुई, वो भी तब अगर फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स ने खरीद ली। नाना पाटेकर जी जान लगाकर फिल्म की शूटिंग करने लगे, लेकिन कुछ दिन बाद फिल्म की शूटिंग रोकनी पड़ी क्योंकि निर्माता के पास सब पैसे खत्म हो गए थे। फिल्म को पूरा करने के लिए 2 लाख रुपए की जरूरत थी। उस वक्त नाना पाटेकर की एक चाहत थी कि जब फिल्म पूरी हो जाए तो उनके जो 7,000 रुपए मिलेंगे वो उन पैसों का एक स्कूटर खरीदेंगे। ये बात उन्होंने निर्देशक एन चंद्रा को भी बता रखी थी। बहुत कोशिश की, लेकिन जब कहीं से फिल्म को पूरा करने के लिए 2 लाख रुपए का इंतजाम नहीं हुआ तो नाना पाटेकर ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपना घर गिरवी रखकर 2 लाख रुपए फिल्म निर्माता को दे दिए। फिल्म जब बनकर तैयार हुई और रिलीज भी हुई, फिल्म रिलीज होते ही हिट साबित हुई और मेकर्स मालामाल हो गए। निर्देशक एन चंद्रा ने नाना पाटेकर का यह एहसान माना और 2 लाख रुपए देकर एक्टर का न सिर्फ घर छुड़वाया बल्कि उनके 7,000 रुपए भी दिए और साथ में दिया एक चमचमाता हुआ नया स्कूटर तोहफे के रूप में भी दिया। ये वही फिल्म है जिसका एक गाना इतनी शक्ति हमें देना दाता तो लोग आज भी सुनते हैं। IMDb ने इस फिल्म को रेटिंग 10 में से 7.6 दी है।